आपका स्वागत है मेरे चैनल निशान गुप्ता ब्लॉग में। आज हम आपको बताने वाले हैं ओला स्कूटर को ऐप से कैसे कनेक्ट करना है, और ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए पूरे वीडियो में आप बने रहिए तो आपको कैसे पता चलेगा कैसे आपको कनेक्ट करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको पहले सेटिंग में आना है ओला स्कूटर की, फिर आपको ब्लूटूथ पर आना है, फिर आपको ब्लूटूथ को ओपन करना है। ब्लूटूथ ओपन करने के बाद अब मैं आपको बताऊँगा फंक्शन कैसे करना है आपको अपने मोबाइल से। अब मैं मोबाइल पर डिस्प्ले आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। आपको अपना ओला ऐप खोल लेना। ओला ऐप खोलने के बाद आपको ब्लूटूथ नॉट पेयर यहाँ दिखा रहा है नोटिफिकेशन, कनेक्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। आपको यस आई हैव अनलॉक माय स्कूटर पे आपको अनलॉक करके रखना है स्कूटर को। लॉक नहीं होनी चाहिए आपके स्कूटर। अब वेट करिए, कनेक्ट कर रहा है, देखिए कनेक्ट कर रहा है। फिर इसको पेयर करना है। हम लोग को वहाँ पर रिक्वेस्ट आई है ब्लूटूथ पेयरिंग की हमारे स्कूटर पर, तो उस पर भी एक्सेप्ट करना है स्कूटर पर जो रिक्वेस्ट आई है। आप थोड़ा वेट कीजिए, ये पेयर करेगा। जब तक पेयर करने में थोड़ा समय लगता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब हमारा ओला स्कूटर पेयर्ड हो गया हमारे फ़ोन से। अब जैसे कि हमको डिग्गी भी खोलनी थी, यहाँ क्लोज जहाँ लिखा है डिग्गी का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे आपकी ओला स्कूटर की डिग्गी खुल जाएगी। अब इसको हम डिग्गी बंद कर देते हैं, उस पर ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा। अब गाड़ी खोलना है तो आपको लॉक पे क्लिक करना है, गाड़ी ओपन हो जाएगी। और गाड़ी यहीं से लॉक भी हो सकती है, ऐसे लॉक कर दीजिए आप, गाड़ी लॉक भी हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अभी आपको और कोई दिक्कत हो ओला स्कूटर को चलाने में, किसी फंक्शन की दिक्कत हो तो हमको बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। कमेंट करिए हमको, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और किसी चीज़ की दिक्कत हो तो कमेंट करें।